Hello everyone. So as you all know that only 15 days are left for upcoming NEET PG exam. So we will discuss the final strategy that you should be following in these days. So first and most important thing is keep on revising, revising, revising. There is no alternative to it. बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि वी आर नॉट कम्प्लीटिंग द टारगेट. अगर आपने सोचा था कि सपोज 1 month में एक रिविजन करना है, लास्ट 10 days में क्विक रिविजन करना है. सो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम टारगेट नहीं अचीव कर पा रहे, सो वी वांट बी एबल टू गेट अ गुड रैंक. बट ट्रस्ट मी, 99% लोग टारगेट पूरे नहीं कर पाते. ये टारगेट बस इसलिए होते हैं सो दैट यू कैन गेट अ डायरेक्शन. एंड टारगेट को आप अचीव नहीं भी करो तब भी यू विल फॉल अराउंड द टारगेट. सो सपोज आपने सोचा था 1 month में सिलेबस रिवाइज करना है, तो अगर आप 1 month में सिलेबस नहीं रिवाइज कर पाए, स्टिल 12-13 सब्जेक्ट तो रिवाइज कर पाते हैं लोग. सो द टारगेट आर जस्ट फॉर डेट ओनली. सो अगर अचीव नहीं भी कर पा रहे, जस्ट स्टिल कीप ऑन रिवाइजिंग, बिकॉज देर इज नो नो अल्टरनेटिव टू इट. एंड कीप ऑन रिवाइजिंग द 20th कॉपी एज वेल, बिकॉज वो इकलौती कॉपी में यू विल गेट द ग्लिम्स ऑफ 19 सब्जेक्ट्स. तो जो 19 सब्जेक्ट्स के वोलेटाइल पार्ट है वो आपके पास इकट्ठे हैं, उनको अच्छे से रिवाइज करना. अदर देन डेट प्रैक्टिस 30-40-50 MCQs पर डे, बिकॉज MCQs की इंपॉर्टेंस इन दिस एग्जाम इज पर्टिकुलरली मोर, बिकॉज दे वॉन्ट बी हैविंग इनफ टाइम टू मेक न्यू MCQs. बट एट द सेम टाइम 50-60 से ज़्यादा MCQs पर डे प्रैक्टिस नहीं करनी, क्योंकि बर्नट आउट हो जाएगा. आपके पास एग्जाम है 15 डेज बाद. अगर आप इतने ज़्यादा MCQs पर डे प्रैक्टिस करोगे, 100+ MCQs पर डे प्रैक्टिस करोगे, सो फिर यू वॉन्ट बी, आपको MCQ करने में मज़ा ही नहीं आएगा. यू सब सबकॉन्शियसली करने लगोगे. तो जो एक MCQ करने का, एक जो आपका कॉन्शियस माइंड एकदम फुल कॉन्शियसनेस के साथ करता है उसको सॉल्व, वो आप नहीं करोगे. सो डोंट प्रैक्टिस मोर देन 100 MCQ पर डे. The safer side would be to practice 40 to 50 MCQs per day. Another important point is, इस point पर GT देने का तो कोई point है नहीं, but still keep on revising your 20th copy. That is the most important thing at this point of time. Stay positive, because syllabus is so vast, सबको लग रहा होता है. Even toppers have this feeling कि exam के लिए I'm not prepared well. So just keep on studying, stay positive, FOMO नहीं करना, because सारे sources के बच्चों का selection होगा. So it's not on a particular source. And another important thing is take good sleep, because you will be having only 15 days for the exam. So अभी से अपना sleep schedule अच्छा करना start कर दो. And even last day पर अगर आपको नींद नहीं भी आती है, तो अगर आप in 14 days में you will be relaxed, तो उसका फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा. And another important thing is कि have good food and good sleep, because इस time पर health is also very important. In 15 days में you cannot afford कि आपकी 2-3 दिन भी तबीयत खराब रहे. इवन इट्स रेनिंग आउटसाइड, सो कोल्ड भी एक होगा और 1-2 दिन भी खराब होंगे. यू कांट अफोर्ड इट. सो हैव गुड फूड, गुड स्लीप एंड कीप ऑन स्टडी. ऑल द बेस्ट.